ठेकरी नगर के चौपाटी पर भाजपा अजुजा मोर्चा एवं युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार शाम 5 बजे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ गोविंद सिंह का पुतला फूंका गया। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष का पुतला फूंकने से पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा गोविंद सिंह शर्म करो आदिवासियों व महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान आदि जमकर नारे लगाए गए हैं। कुछ दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने रानी कमलापति पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था। उनका यह बयान कांग्रेस की सोच को प्रदर्शित करता है। उनका एवं कांग्रेस पार्टी का यह आपत्तिजनक बयान अनुसूचित जनजाति समाज तथा महिला विरोधी है, जबकि रानी कमलापति अनुसूचित जनजाति समाज की महिला होकर उन्होंने देश की आजादी में प्रमुखता से हिस्सा लिया था। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हम ये जो गोविंद सिंह द्वारा जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में पुतला दहन का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज को अपमानित किया है। उन्होंने रानी कमलापति, जिसका नाम अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन से बदलकर रानी कमलापति रखा था, तो उसी तारतम्य में कांग्रेस की सरकार को ये नागवार गुजर रहा है। कांग्रेसी नेताओं को ये मतलब शोभा नहीं हो पा रहा है, और जो आदिवासी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी दे रही है वो उनको हजम नहीं हो रही है। यदि हमारे साथ जिला अध्यक्ष आजम मोर्चा बड़वानी जिला, इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को पच नहीं पा रहा है कि हम महापुरुषों के नाम किसी स्टेशन या जगहों के जहाँ स्मारक है उनके नाम रखे जा रहे हैं। हमारे बीच में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं, क्या कहेंगे सुखदेव जी? क्या कहेंगे भाई साहब? पूरे देश में आदिवासियों के अजब मोर्चे के लोगों को अपमान हो रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। भारत पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर यह कार्यक्रम विरोध पुतला दर्शन का हो रहा है, जलन का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी विरोध दर्ज करा रही है, कहीं ना कहीं अशोभनीय टिप्पणी है। उनका कहना है कहीं ना कहीं महापुरुषों का भी अपमान किया जा रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए सुरेंद्र वर्मा, ठीकरी।